हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। जो बुक है आपकी उसका चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो क्या आपने कभी चेस खेला है? तो उसमें ब्लैक नाइट होता है ना, जो घोड़ा होता है, तो उसकी जो चाल होती है क्या होती है उसकी, 2.5 स्क्वायर चलता है ना वो, डेढ़ ढाई चाल चलता है ना। पर अगर वो सीधा चलने लगे फिर क्या होगा? चेस का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, अगर इसका जो उसकी जो चाल है वो ही बदल जाएगी, है ना। और अगर क्रिकेट भी देखा होगा, तो क्रिकेट में अगर एम्पायर ही नहीं होगा तो डिसाइड कौन करेगा? हाँ, तो फिर कोई भी स्पोर्ट हो तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं ना। कोई भी जो स्पोर्ट ले लो आप, चाहे फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, है ना, तो हर स्पोर्ट में रूल्स होते हैं जो कि सभी लोग फॉलो करते हैं। रूल्स हैं जो, और अगर रूल्स को चेंज करोगे आप और आउटकम को चेंज, तो आउटकम भी चेंज जाएगा, है ना। गेम का आउटकम भी एकदम अलग हो जाएगा अगर आप रूल्स बदल दोगे तो, है ना। इसलिए अगर देखें तो गेम में ना एक इम्पार्शियल एम्पायर की जरूरत होती है जो कि डिसाइड करता है ना, डिसीजन लेता है। और जो डिसीजन होता है एम्पायर का, सभी लोग मानते हैं, है ना। रूल्स और एम्पायर दोनों चीजों को सभी लोग मानते हैं, फिर गेम खेला जाता है ना। तो सही गेम क्या होता है ना, ऑल्सो ट्रू ऑफ इलेक्शन, है ना। वॉट इज ट्रू ऑफ गेम इज ऑल्सो ट्रू ऑफ इलेक्शन। ऐसे ही इलेक्शन में भी होता है ना। तो कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं, सिस्टम होते हैं जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। अगर इलेक्शन ही ढंग से कंडक्ट नहीं किया जाएगा, है ना, करप्शन होगा इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, तो उसके आउटकम भी तो वही आएंगे ना, कि कोई डोमिनेटिंग पर्सन होगा, कोई करप्ट इंसान होगा, या फिर कोई जो बहुत ताकतवर इंसान होगा, मनी एंड मसल पावर के थ्रू जीत जाएगा वो, है ना, या फिर खरीद करके इलेक्शन कमीशन को, है ना। तो उससे क्या होगा कि अनफेयर गवर्नमेंट आ जाएगी फिर। ओके, तो इलेक्शन भी सही से होने चाहिए। तो आउटकम जो है इलेक्शन का डिपेंड करता है रूल्स पे, ठीक है, जो अडॉप्ट किए जाते हैं। आपको ना कुछ मशीनरी की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं इम्पार्शियल मैनर में। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अपनी जो कंट्री है ना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ओके, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतने सारे स्टेट्स हैं अपने यहाँ, 28 स्टेट्स है ना, और फिर 8 यूनियन टेरिटरीज है अपने यहाँ। तो 28 स्टेट्स में इलेक्शन कंडक्ट करवाना तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, वो भी फ्री एंड फेयर। ओके, नेशनल लेवल के इलेक्शन जो होते हैं वो तो अलग ही बात हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट की बात हो गई। और फिर उसके बाद में स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ठीक है, इम्पार्शियल मैनर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, कि गवर्नमेंट ही करेगा, गवर्नमेंट ही सब कुछ करवाने लगेगी ना इलेक्शन का, तो कोई कोई दूसरा दूसरा पावर पावर पे पे आ ही नहीं पाएगा। ओके, तो इसलिए ना बेसिक डिसीजन होता है अबाउट जो इलेक्शन का जो डिसीजन होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सब कुछ हमारे यहाँ, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इंडिया का इलेक्शन कमीशन, तो उसमें ना आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है पावर्स दी गई है संविधान में, पार्ट 15 में। ओके, सॉरी, पार्ट 15 में, है ना, 5 हो गया ये, सॉरी, ऐसा होगा ना, ओ सॉरी सॉरी। हाँ, तो पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, तो इस चैप्टर में ना हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जानेंगे जो इलेक्शन के और रिप्रेजेंटेशन के, है ना, रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे। ओके, तो फोकस करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड, जो मेथड होती है ना जिसके थ्रू इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, और इलेक्शन जो हमारे संविधान में दिया हुआ है ना, और जो इम्प्लीकेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, इम्पार्शियल मशीनरी फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से जो इम्पार्शियल, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसकी वजह से इम्पार्शियली कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन, बिना किसी जो धांधलेबाजी के इलेक्शन ढंग से कंडक्ट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में दिया गया है उसका, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, सजेशन भी है कि अमेंड करना चाहिए कुछ प्रोविजंस को, जो भी जिन प्रोविजन में भी हमको लगता है ना कि टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, और फिर चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन
कितने टाइप के, मतलब कई तरीके की मेथड होती है इलेक्शन की, है ना। तो उसको भी सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है हमारे देश में ऐसा अडॉप्ट क्यों किया गया। ओके, तो और भी चीजें जानेंगे इसके बारे में, एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे जो प्रोविजन फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ना। और डिबेट देखेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म, टाइम टू टाइम इलेक्टोरल रिफॉर्म किए गए, जैसे कि पहले बैलेट बॉक्स में पेपर डाल करके इलेक्शन होता था, फिर उसके बाद में ईवीएम आ गई, मशीन आ गई जिसमें बटन दबाते हैं ना, तो फिर ईवीएम के थ्रू होने लगा। फिर फोटो वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो गया था, ठीक है, मतलब कि अब वोटर की जो है फोटो भी आने लगी, आइडेंटिटी कार्ड जो आता था ना पहले, तो उसमें भी। तो कई सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म भी किए जाए, कई सारी कमिटीज होती हैं जो कि रिकमेंड करती हैं इन सबको। ओके, तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। तो दो सिंपल क्वेश्चंस हैं अबाउट द इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, क्या डेमोक्रेसी हो सकती है बिना इलेक्शन के, और होल्ड कर सकते हैं इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है और इलेक्शन फिर भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो इसका डिस्कशन करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमको इसके बारे में ना याद दिलाता है, नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। सारे सिटीजन जो होते हैं, कितना जरूरी है रिप्रेजेंटेशन एक बड़ी डेमोक्रेसी में, है ना। हमारा देश वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सारे सिटीजन जो है डायरेक्ट पार्ट नहीं ले सकते हर डिसीजन मेकिंग में। आप देखोगे इतने सारी पॉपुलेशन है ना, 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं हमारे यहाँ, तो डायरेक्टली सभी लोग थोड़ी ना पार्ट ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, है ना। जैसे कि कौन सा कानून की जरूरत है, क्या रिफॉर्म होने चाहिए, क्या जो भी चेंज करना है, ठीक है, लॉ में, तो ये सारी चीजें हर कोई थोड़ी ना डिसीजन ले सकता है। अगर सभी लोग डिसीजन ले सके तो इलेक्शन की जरूरत क्या पड़े, है ना। पहले क्या होता था कि एक कबीला होता था, तो उन लोग सब लोग मिलकर के डिसीजन ले लेते थे, तो उनको इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। पर अभी इतने सारे लोग हैं तो ये लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए हमको रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत होती है। और रिप्रेजेंटेटिव्स वो कैसे चुनते हैं, इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, है ना। तो इसलिए इलेक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हमारी डेमोक्रेसी है ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि जो लास्ट क्या था कि इलेक्शन ही होते हैं ना। इलेक्शन अगर देखे तो इंडिया में तो इलेक्शन एक त्योहार की तरह मनाए जाते हैं ना, इतना ज्यादा ढोल धमाका और जमाने भर की चीजें होती है। इलेक्शन जो है आजकल ना सिंबल बन गया है डेमोक्रेसी में, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी ना तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा उसमें। ओके, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो हम जो अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर, डेमोक्रेसी कितने टाइप की होगी, दो टाइप की होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर जो सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे डिसीजन मेकिंग में, है ना, और जो गवर्नमेंट किस तरीके से चलनी चाहिए उसमें, ठीक है। एंशियंट ग्रीस, पहले के टाइम पर ना, बहुत पुराने टाइम की बात है, तो ग्रीस में ना पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही हुआ करती थी, सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया करते थे जो उनके डे टू डे डिसीजन मेकिंग होती थी उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्रीस का ले सकते हैं, ठीक है, एंशियंट सिटी स्टेट जो ग्रीस में था पहले। ओके, तो पहले ये था। अभी देखें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज्यादातर देखने को मिलती है आपको, है ना, मतलब आप वर्ल्ड में देखोगे ना कंट्रीज में, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इनडायरेक्ट में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म की होती है एक, ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म की भी होती है। तो यूएसए में देखोगे ना तो यूएसए में आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म की देखने को मिलेगी, उनके प्रेसिडेंट सुप्रीम होते हैं, पर वो भी इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट का भी देखें, जैसे कि हमारे यहाँ ग्राम सभा हो गई, ओके, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। ओके, तो ग्राम सभा का अच्छा एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। बट ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, प्रैक्टिस नहीं की जा सकती जब डिसीजन जो है मतलब कि टेकन बाय लैक्स एंड करोड़ ऑफ पीपल, मतलब कि लाखों लोग रहते हैं एक जगह पर, है ना, करोड़ों लोग रहते हैं वहां पर, तो सारे के सारे लोग थोड़ी ना डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने आएंगे। तो यहाँ पर हमें पीपल की रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ जाती है। ओके, तो इसलिए वाई रूल ऑफ द पीपल, यूजुअली रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो जो है ना रूल रूल बाय द पीपल है, तो वो क्या हो गया, रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया है, क्योंकि सब लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं, उनको तो मतलब भी नहीं रहता गवर्नमेंट कर क्या रही है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना।
और तो इसीलिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, फिर वो लोग काम करते हैं यहाँ पर। और रिप्रेजेंटेटिव को चूज कौन करता है? जनता करती है। इस अरेंजमेंट में सिटीजन जो है चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे गवर्निंग में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री, तो अपने देश को चलाने में। तो यही मेथड फॉलो किया जाता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके। रिप्रेजेंटेटिव को चूज कैसे करते हैं? इलेक्शन के थ्रू। तो सिटीजन के पास में ना, सिटीजन का एक लिमिटेड रोल होता है मेजर डिसीजन जो होते हैं एंड रनिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि सिटीजन का क्या हुआ, सिटीजन का रोल कम हो गया ना। सिटीजन थोड़ी ना पार्ट ले रहे हैं, सिटीजन तो डायरेक्ट इलेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के फिर जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं। वैसे तो ये नेता अपने आप को जनता का नौकर कहते हैं, पर ऐसा नौकर तो हर कोई बनना चाहेगा ना, जो ये लोग एंजॉय करते हैं लाइफ को, है ना, जो पब्लिक मनी पर। तो ये जो होते हैं ना सिटीजन जो होते हैं, ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसमें, पॉलिसीज वगैरह बनाने में, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे देश में डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। जो भी काम होगा, तो जैसे किसी पर्टिकुलर, जैसे किसानों के लिए कुछ चीजें लेकर के आनी, स्कीम वगैरह, तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम जो होता है ना, फिर ये लोग करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव भी क्या ही, मतलब आज के टाइम पर तो जितने भी ऑफिसर्स है ना, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ओके, जो भी बैकडोर में जो काम करते हैं ना, कमिटी में जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ये सारा काम करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव तो बस एंजॉय करते हैं लाइफ को, ओके। तो सिटीजन जो होते हैं इन्वॉल्व ओनली डायरेक्टली थ्रू, मतलब कि सिटीजन किस में इन्वॉल्व होते हैं? सिटीजन इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन में, इलेक्ट करते हैं किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इस अरेंजमेंट में जितने भी मेजर डिसीजन जो होते हैं इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। जो भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं कौन लेता है? ये नेता लोग तो लेते हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, ओके। तो एक मेथड होता है जिसके थ्रू पीपल जो है इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर जैसे कि दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक हो जाएं। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड इलेक्शन, ओके। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर्स होते हैं वो अपने आप को ना दिखाते हैं कि वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया कोरिया सॉरी नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के तौर पे बताता है, पर वो तो एक अथॉरिटेरियन लीडर है ना, किम जोंग उन है वहां पर, जो कि अपनी मनमानी करता है सारी की सारी, है ना। तो जो ना जो लीडर होते हैं वहां के, वो अपने आप को क्या बताते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। वो क्यों बताते हैं? इलेक्शन करवा के बताते हैं, मतलब बोलते हैं कि हमने भी इलेक्शन करवाए, पर वो इलेक्शन इस तरीके से कराते हैं कि उनके रूल को कोई खतरा नहीं होता, है ना। वो फिर से पावर में आ जाते हैं। ओनली जो डिक्टेटर बचा है ना यूरोप में, एलेक्जेंडर लुकाशेंको है, जो कि बेलारूस में है, ठीक है। वो इतने सालों से पावर में है ना, तो वो हट ही नहीं रहा पावर से, मतलब की। तो कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? तो आप नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे कि बेलारूस का दिया, यहाँ पर अभी इलेक्शन भी हुआ था तो वो फिर से पावर में आ गया, ठीक है। मतलब उसका रूल जो है ना, वो इस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है कि उससे कोई जीत ही ना सके, है ना। मतलब कि सारे जो है अपने नाम से वोट डलवा लिए, ओके। चाइना में भी यही सीन देखने को मिलता है। तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो डेमोक्रेटिक को नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दैट इलेक्शन इन अ कंट्री विल बी कंडक्टेड इन डेमोक्रेटिक वे? तो ऐसे क्या करना चाहिए कि इलेक्शन जो है एक देश में वो डेमोक्रेटिक हो? तो दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का रोल, संविधान का रोल आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक कंट्री का, तो वो ना बेसिक रूल लेस डाउन करते हैं कि कुछ बेसिक रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं, उन रूल्स को सभी लोग फॉलो करते हैं। ये जो डिटेल्स होते हैं यूजुअली लेफ्ट टू वर्क आउट पता सॉरी तो बेसिक रूल जो है वो तो संविधान ने लिख दिए हैं, पर और भी जो डिटेल की चीजें हैं ना, वो जो है लॉज वगैरह पास करते हैं लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं ना, एमपीज हो गए पार्लियामेंट में, है ना, तो वो लोग ये काम करते हैं। दीज बेसिक रूल्स आर, बेसिक रूल क्या मतलब कि क्या हो गया, जो अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डिसीजन इलेक्शन से रिलेटेड जो है जो गवर्नमेंट लेगी, इलेक्शन से रिलेटेड
और भी चीजें होती हैं, जैसे कि कितने साल के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, है ना। 1969 तक वोटिंग का अधिकार जो था, 1969 तक 21 साल तक के लोगों को वोटिंग का अधिकार था। फिर 1969 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, तो इसको चेंज कर करके 18 कर दी एज, मतलब कि 18 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। कौन से लोग हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, है ना, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, एलिजिबल टू कंटेस्ट, है ना। जैसे कि जो इंसान 25 ईयर्स का हो जाता है तो वो लोकसभा की इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, कंटेस्ट कर सकता है ना। तो वो जो भी है, तो वो इंसान जो है, जैसे कि 35 का हो जाता है तो वो गवर्नर बन सकता है, 30 का हो जाता है तो वो क्या हो सकता है, राज्यसभा में जो है राज्यसभा के लिए इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकता है ना। और 21 की एज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के होते हैं, तो वहां पर जो है खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। कौन सुपरवाइज करेगा इलेक्शन को, ये भी डिसीजन जो होता है लेजिस्लेचर वगैरह लेते हैं। हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को किस तरीके से चूज करते हैं, तो ये भी जो डिसीजन होता है ना ये भी लिया जाता है। हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, किस तरीके से वोट जो होती है उसको काउंट की जाती है, ठीक है। सारे इलेक्शन होने के बाद में मतलब सभी लोग बंद रहते हैं वहां पर, है ना, और जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ना, टीचर्स वगैरह सबकी ड्यूटी लगती है वहां पर, ठीक है। तो वो लोग जो है फिर वोटिंग का काउंट करते हैं वोट्स को, है ना, और रिप्रेजेंटेटिव्स फिर इलेक्ट होते हैं। लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही हमारा जो संविधान है इंडिया का, वो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर इलेक्शन के बारे में, फ्री एंड फेयर के बारे में है, जिसको हम डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो इंश्योर कर रहे हैं कि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, है ना, सभी लोगों का जो है रिप्रेजेंटेशन ढंग से हो, है ना। जैसे कि वन वैल्यू वन वोट की बात करते हैं, मतलब कि एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, वन वोट वन वैल्यू, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, इसलिए अगर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, तो वैसे ही 10 लाख पॉपुलेशन में कहीं और का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ना कि स्टेट वगैरह के बेसिस पे, है ना। मतलब बाउंड्रीज जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, पॉपुलेशन के बेसिस पर डिफाइन होती है। ओके, तो इसके बारे में ना इन दिस चैप्टर आपको ना वो दीज एक्सपेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो इलेक्शन के बारे में जानने को मिलेगा। इलेक्शन सिस्टम इंडिया में आपने देखा होगा कि डिफरेंट मेथड होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने के, है ना। तो आप सोचते भी होंगे कि जो ये है क्या, मतलब, है ना, डिफरेंट होते हैं मेथड्स इलेक्शनरिंग के एंड कैंपेनिंग इन द इलेक्शंस। तो डिफरेंट मेथड्स हैं क्या इलेक्शन के, और सिस्टम क्या है, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवा जाते हैं, कौन सी अथॉरिटीज होती है, रूल्स कौन से होते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जो इज दैट व्हाट इलेक्शन सिस्टम इज ऑल अबाउट। तो बस इतना ही क्या इलेक्शन सिस्टम में। तो आप ना मतलब सोचते होगे, वंडर करते होगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू राइट डाउन हाउ द वोट्स आर टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड। तो क्या संविधान में ये भी लिखना पड़ता है कि किस तरीके से वोटिंग वोट्स की काउंटिंग होगी और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे, तो क्या ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। ऑब्वियस है, बहुत ही ज्यादा पीपल, जनता जाती है और वोट करती है। कैंडिडेट जो होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्ट होते हैं। दैट इज वॉट इलेक्शन आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या हर जगह इसी तरीके से इलेक्शन होते हैं? तो आपको ना, और हमको इतना सोचने की जरूरत क्यों है ना? तो वी नीड टू, हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इतना सिंपल है नहीं। इलेक्शन ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप डिफरेंट सिस्टम्स को जानने की कोशिश करोगे, अलग अलग देश में किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवा जाते हैं और हमारे देश में किस तरीके से होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है ना। तो है ना, तो हम अपने सिस्टम से इतना ज्यादा फैमिलियर हो गए हैं ना, इतना ज्यादा मतलब पता ही है, तो हम सोचते हैं कि और कोई तरीका है ही नहीं इलेक्शन कंडक्ट करवाने का। अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करें तो जनता जाती है, अपना प्रेफरेंस डिसाइड करती है और फिर वोट देती है ना, और उनको वोट देते हैं फिर। बट देयर आर
देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइसेस. तो कई तरीके से कई डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू पीपल जो है अपनी चॉइसेस बनाते हैं ना, चॉइस जो उनकी होती है. एंड कई डिफरेंट वेज होते हैं कि वो अपने प्रेफरेंसेस को जो है काउंट किए जाते हैं. जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर दो इंसान खड़े हुए, ठीक है, इलेक्शन तीन इंसान हुए, ठीक है, एक पर्सन गया, उसने वोट दिया किसको, ये हो गया ए, बी और सी. इसने प्रेफरेंस दिया सबसे पहले किसको, सी वाले को, मतलब ये चाहता है सी वाला जीते. फिर उसके बाद में बोला इसने कि ए वाला होगा, और फिर इसने क्या किया, फिर इसने बी को प्रेफरेंस दिया, मतलब कि ये चाहता है कि सी पहले जीते, बी सॉरी फिर ए और फिर बी. सेकेंड पर्सन आया, उसने वोट दिया पहले ए को, बी को प्रेफरेंस दिया, ठीक है, उसके वोट में प्रेफरेंस इस तरीके से हो गया, है ना. वैसे ही अलग अलग लोग आते हैं, अपना प्रेफरेंस देते हैं, फिर देखते हैं तो ये दोनों का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा निकला, ठीक है, फिर इन दोनों का फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, फिर इन दोनों के इलेक्शन में डिसाइड होता है ना. तो इस तरीके के प्रेफरेंस वाला इलेक्शन होता है. ओके, तो जिस तरीके के रूल्स होते हैं ना गेम में, उस तरीके से क्या होता है, विनर वगैरह भी हो सकता है कोई गेम का. अगर किसी गेम में रूल्स फेवर करते हैं बिगर पार्टी को, बड़ी पार्टी को, छोटे प्लेयर को जो है, अगर कोई किसी रूल्स जो है, कोई रूल्स स्मॉल प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ रूल्स फेवर कर रहे हैं मेजोरिटी कम्युनिटी को, एंड जो कुछ है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं माइनॉरिटी को, है ना. तो ये देखने को मिलता है ना. तो अभी हम जानेंगे किसके बारे में, अब इलेक्शन के मेथड के बारे में. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, है ना. तो लुक एट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, यहाँ पर न्यूज़पेपर की देखो, नवभारत टाइम्स का दिया गया है. पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, मतलब कि सबसे ज्यादा 3/4 वोट के साथ में जीत गए, है ना. तो यहाँ पर वोट की जो न्यूज़पेपर की कटिंग दी है, इट टॉक्स वन ऑफ द हिस्टोरिक मोमेंट देखने को मिला था इंडिया की डेमोक्रेसी में. लोकसभा इलेक्शन 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो है पावर में आई थी, 415 सीट इनको मिली थी 543 में से. आप देख रहे हो, मतलब मैक्सिमम सीट लेकर के चले गए ये लोग, है ना. तो इनकी सीट रही 543 सीट थी लोकसभा में, तो उसमें से 415, मतलब 80% सीट जो है कांग्रेस जीत गई थी. तो इस विक्ट्री जो है उसके बाद दोबारा नहीं आई, है ना. सच अ विक्ट्री वाज नेवर अचीव बाय, मतलब कोई भी पार्टी इतनी ज्यादा सीट्स कभी भी नहीं जीत पाई. तो इलेक्शन क्या बताते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है 4/5 ऑफ द सीट जीती थी, है ना. तो इसका मतलब क्या है, 4 out of 5 इंडियन वोटर्स वोटेड फॉर दी कांग्रेस पार्टी. इसका मतलब ये है क्या, मतलब कि 5 में से हर 4 लोगों ने इंडिया के कांग्रेस को वोट दिया था. हाँ, ऐसा है क्या. तो आप ना अभी देखोगे कि टेबल के बारे में देखेंगे, ठीक है. कांग्रेस पार्टी जो है इसको 48% वोट मिले थे, मतलब कि 48% बस लोग चाहते थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, है ना, फेवर में कैंडिडेट के, कांग्रेस पार्टी के. बट पार्टी सिस्टम जो है, पार्टी ने फिर भी मैनेज कर लिया, इतनी सारी सीट कैसे जीत गई अगर सिर्फ 48% वोट मिले थे कांग्रेस को, तो फिर बाकी के लोग कहाँ गए, है ना. मतलब कि 52% पीपल ने किसको वोट दे दिया. फिर अपने यहाँ पता कैसा इलेक्शन होता है, अपने ऐसा होता है जैसे कि ये ए बी सी डी 4 कैंडिडेट अगर इलेक्शन में कंडक्ट मतलब खड़े हुए, ठीक है. अब ना किसी, कुछ लोगों ने इसको वोट दिए, कुछ ने इसको, कुछ ने इसको, कुछ ने इसको, है. अगर इसको मान लो 25% वोट मिले, है ना, ए को, इसको मिल गए कितने, 15%, इसको मिल गए 35%, और कितने बचे फिर, 25 बचा ना. तो 25 इसको मिले, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, इसको मिले 35% को, है ना, 35%. तो ये वाला जीत जाएगा, बाकी सारे लोग जो है अंडर रिप्रेजेंटेटिव रह जाते हैं, मतलब इन लोगों ने, बाकी लोगों ने इनको वोट दिया है, तो ये वाला नहीं जीतेगा, सबसे ज्यादा इसको मिले. तो इस तरीके का सिस्टम चलता है हमारे यहाँ, है ना. तो ऐसे ही इलेक्शन के थ्रू ये लोग जीत गए थे. तो वोट्स एंड सीट्स वॉन बाय मेजर पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन. तो यहाँ पर देखो, ये 40 जो कांग्रेस थी, 48% इनको वोट्स मिले, 415 सीट. बीजेपी को 7.4% जो वोट्स मिले और 2 सीट मिली. जनता जो रही उनको, जनता दल जो है उनकी पार्टी को, तो अलग अलग पार्टीज के यहाँ पर वोट्स एंड सीट बताए. ये सिस्टम जो है हमारे यहाँ होता है कंट्री में, है ना. तो एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, हमारे पूरे देश को डिवाइड किया जाता है. जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, अभी हुए थे 2024 में, जनरल इलेक्शन भी कहते हैं इसको, तो अभी हुए ना, तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा में 543 सीट है ना.
हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एक पर्सन जीतता है, ठीक है। वहां पर इलेक्शन में होते हैं, तो वहां कई सारे लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, कैंडिडेट जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो जीतता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सिस्टम में देखने को मिलता है हमको, जिसके पास भी सबसे ज्यादा वोट है ना दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा, तो वो जीत जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि विनिंग कैंडिडेट को 50-51% वोट लाने पड़ेंगे तभी जीतेगा वो, ठीक है, ये नहीं चलता। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जहाँ पर सबसे कम वो मतलब कि दूसरे लोगों से ज्यादा वोट होने चाहिए आपके, तो आप जीत जाओगे, ठीक है। 51% लाने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर जो है इलेक्टोरल रेस जो होती है, कैंडिडेट जो भी सबसे आगे होता है, ठीक है, और जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। यहाँ पर इस मेथड को जो है प्लुरालिटी सिस्टम भी कहते हैं, दूसरों से आगे रहता है ना तो वो जीत जाता है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ जो है इस तरीके का जो मेथड है, ठीक है, तो हमारे संविधान में दिया गया। अगर हम दूसरा अब एग्जाम्पल पे देखें तो कांग्रेस जो पार्टी है उसमें शेयर ऑफ सीट्स जो है, उसके शेयर ऑफ वोट्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर देखें तो वोट तो कम थे, फिर भी कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट अगर देखें तो 50% वोट नहीं सिक्योर किए थे, 50% से बहुत कम वोट सिक्योर किए थे, फिर भी वो लोग जीत गए, है ना। तो अगर सेवरल कैंडिडेट है और विनिंग कैंडिडेट जो है उनको कम जो मतलब वोट मिलते हैं, ठीक है, मतलब कि जो जीतने वाला इंसान है ना उसको अगर कम वोट भी मिलते हैं फिर भी वो जीत जाता है। वोट जो है जो लूजिंग कैंडिडेट के मतलब कि जो हार रहा होता है उसके वोट तो वेस्ट में चले जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था ना यहाँ पर कि बाकी सबके वोट कहाँ गए, तो 25% वोट ए को मिले थे, 15 बी को मिले थे, सी को 35 मिले थे और डी को 25 मिले थे, तो इन सबके वोट तो बर्बाद चले गए ना, 35 वाला जीत के निकल गया, है ना। तो ऐसा सिस्टम में बाकी सब जो है उनके वोट वेस्ट हो जाते हैं, है ना, कैंडिडेट के, और पार्टी गेट नो सीट फ्रॉम दीज वोट, है ना। तो बाकी जो पार्टी होती है उनको इससे नहीं मिलता है, ठीक है। सपोज वो पार्टी जो है उसको 25% वोट मिले हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, उनको 25% वोट मिले हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बट एवरीवन एल्स गेट मतलब और कहीं जगह अगर दूसरे लोग हैं तो उनको इससे भी कम वोट मिले हैं, तो इस केस में जो पार्टी है वो जीत जाएगी जिसको 25% वोट मिले हैं, ठीक है, तो वो वाली पार्टी जीत जाएगी, ओके। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जो कि हमारे देश में फॉलो किया जाता है इलेक्शन में। इसको ना अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, मतलब बाकी सारे लोगों के वोट तो वेस्ट गए ना, है ना, तो इसमें ये चीज देखी जाती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हमने आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में समझाया था, ठीक है, अब दूसरे के इलेक्शन का अंडर कंपेयर करते हैं, तो उसमें इसराइल का जो है, इसराइल में एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉलो किया जाता है। इसराइल में है ना वोट्स काउंट किए जाते हैं हर पार्टी के, जो अलॉट किया जाता है सीट इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन टू द शेयर ऑफ द वोट, मतलब कि इसराइल में जितनी जितने वोट्स आपको मिले हैं, है ना, तो उस हिसाब से आपको सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है, तो वोट के अकॉर्डिंगली सीट्स मिल जाती हैं उन लोगों को। हर पार्टी जो है उसको एक कोटा ऑफ सीट मिलता है बाय पिकिंग दोस मेनी ऑफ इट्स नॉमिनी फ्रॉम अ प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शंस। फिर पार्टी क्या करती है, पार्टी मतलब कि जितनी भी उनको सीट मिलती है ना वोट के अकॉर्डिंगली, पार्टी फिर उन जो सीट होती है उसको फिल करती है किसके थ्रू, उनकी जो लिस्ट होती है ना नॉमिनीज की, जिसके जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट होती है, तो उसको प्रेफरेंस देते हैं, जो पहले वाला इंसान होगा उसको सीट दे देंगे, ऐसे कर करके फिर सीट बांट दी जाती है ना, जितनी भी उनको सीट मिलती है वोट के अकॉर्डिंगली। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पार्टी जो होती है उसको उतनी ही सीट मिलती है जितने उसके वोट रहते हैं, है ना, तो सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट मिलती है जितने उसके वोट रहते हैं। तो प्रोपोर्शनल सिस्टम में ना टू वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इन सम कंट्रीज लाइक इजराइल एंड नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ पर कंट्री जो है एक पूरे देश को ही वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं, वन कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं, ठीक है, और फिर उसी में एंड सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच पार्टी, हर पार्टी को फिर सीट बांट दी जाती है उनके वोट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दूसरा मेथड होता है, तो पीआर सिस्टम में भी दो मेथड बताए गए हैं, ठीक है। दूसरे मेथड में क्या होता है कि जब कंट्री को डिवाइड करते हैं मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, है ना, जैसे कि अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल में क्या होता है कि पूरे देश को वो लोग डिवाइड कर देते हैं कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ईच पार्टी जो होती है प्रिपेयर करती है अपनी कैंडिडेट की लिस्ट,
ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पर्सन इलेक्ट होता है, ठीक है, तो उनकी लिस्ट में से उसको फिर सीट अलग एलोकेट की जाती है, उसको मतलब कि सीट दे दी जाती है। तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वही सिस्टम होता है, पर है ना, हर कैंडिडेट को इन दीज जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वोटर्स जो हैं अपनी प्रेफरेंस देते हैं पार्टी को, नॉट द कैंडिडेट। मतलब इसमें कैंडिडेट का कुछ नहीं होता, कैंडिडेट नहीं, पार्टी को वो प्रेफरेंस देते हैं। वो लोग पार्टी को वोट देते हैं कि ये वाली पार्टी हमारे लिए, मतलब कि प्रेफरेंस देते हैं कि ये वाली पार्टी सबसे ज्यादा पसंद है, फिर उसके बाद में ये वाली, है ना। तो द सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सीट्स होती है ना, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स। जितनी वोट्स मिलेंगे उतनी आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो दस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो डिफरेंट पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि सीट तो एलोकेट की जा रही है किस के बेसिस पे, वोट्स के बेसिस पे दी जा रही है ना। तो हो सकता है ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिल गई है इसको, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिल गई है ना। तो मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है ना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो डिफरेंट पार्टी से भी हो सकता है। इंडिया में अगर देखें, वी हैव अडॉप्टेड जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है, लिमिटेड स्केल पे है इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया थर्ड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी हमने दो सिस्टम देखे, एक इसराइल का देखा है ना, सेकेंड देखा हमने किसका, पोर्चुगल एंड अर्जेंटीना का देखा, वहां पर इसराइल एंड नीदरलैंड का देखा। तो वहां पर जो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते थे पूरे देश को, यहाँ पर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी और फिर वोट के बेसिस पे क्या करते थे, पार्टी जो होती थी उनको जो है सीट्स दे दी जाती थी, है ना, जितने वोट उतनी सीट मिल जाती थी। अब ये तीसरा मेथड जो है हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अडॉप्ट किया गया, एंड राज्यसभा के एंड विधान परिषद के जो इलेक्शन के लिए, विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहते हैं। और नेशनल लेवल पे जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, राज्यसभा में इलेक्शन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू, है ना, पीआर के थ्रू, एंड लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ओके, तो इतना हो गया। अभी देखो ये ना बताया गया है इसराइल का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर जो वहां पर हर 4 साल में होते हैं, तो हर पार्टी से डिक्लेयर करते हैं, अपनी कैंडिडेट की लिस्ट डिक्लेयर करती है, वोटर्स जो है पार्टी को वोट करते हैं, कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करते हैं। ओके, पार्टी जो है उनको सीट मिलती है लेजिस्लेचर में, जितने उनको वोट मिलते हैं उस हिसाब से। तो ये जो है अलाउज इवन स्मॉलर पार्टी, मतलब छोटी सी पार्टी है ना, अगर उसको 1% भी वोट मिला है तो उस हिसाब से उनको सीट मिल जाती है, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल सपोर्ट, अगर छोटा सा मतलब उनका सपोर्ट है, बेस है, और कम अगर उनको वोट मिले हैं, फिर भी उनको सीट मिलेगी क्योंकि उनको वोट मिले हैं, ठीक है। तो हर वोट की वो लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, मतलब हर एक इंसान ने वोट दिया है तो उसके वोट की इंपॉर्टेंस है। अगर पार्टी मस्ट गेट द मिनिमम वोट ऑफ 3.25% सॉरी 3.25% वोट्स टू बी एलिजिबल टू गेट इन द सीट इन द लेजिस्लेचर, मतलब मिनिमम जो है उनका एक मिनिमम सेट भी किया गया है कि 3.25% तो वोट मिलना ही चाहिए। इसकी वजह से मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है, जो ये इसराइल का जो लेजिस्लेचर है ना उनको नेसेट कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप, है ना। तो ये फॉलोइंग टेबल दी है 2015 के इलेक्शन की, जो लेजिस्लेचर की वहां पर, तो यहाँ पर देखो इनको जितने वोट मिले हैं, 23% वोट मिले हैं तो सीट इनको 30 मिली है, इनको 18% तो 24, है ना। तो जितने वोट मिले यहाँ पर देखो, अदर पार्टी 4.51% वोट मिले, इनको कुछ नहीं मिला, ठीक है, जो मतलब दूसरी पार्टीज हैं, मतलब इन सबका टोटल जो अलग अलग पार्टीज का 4.99%, उनको 6 सीट मिली है। तो वोट के अकॉर्डिंगली सीट एलोकेट की जाती है। कंपेरिजन ऑफ फैफ, जो फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, तो यहाँ पर क्या होता है, टीपी में कंट्री को डिवाइड किया जाता है स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स में, थोड़े थोड़े में, मतलब पॉपुलेशन सारी जगह की सेम होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ की 10 लाख, यहाँ की 10 लाख, यहाँ की, तो ऐसे पूरे देश को डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव निकल के आता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वोटर्स जो होते हैं वोट करते हैं कैंडिडेट के लिए, और जो पार्टी जो होती है, जिनको ज्यादा जो पार्टी जो होती उनको जो है ज्यादा सीट मिल जाती है वोट से,
ज्यादा ही सीट मिल जाती है ना, क्योंकि कम वोट में भी इंसान जीत जाता है। कैंडिडेट जो जीतता है ना उसको 50+1 वोट जीने की, मतलब 50%+1 वोट जीतने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, 51% वोट की जरूरत नहीं पड़ती है किसी इंसान को जीतने के लिए। अगर कम वोट मिले हैं पर दूसरों से ज्यादा है तो वो जीत जाता है। एग्जाम्पल यूके और इंडिया में ये फॉलो किया जाता है सिस्टम। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जो ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़े एरिया को एक डिमार्केट कर देते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे, जैसे कि पूरे देश को भी वो लोग एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे बना देते हैं। और यहाँ पे क्या था, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना कई सारी, यहाँ पर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उससे एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, यहाँ पर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि कई सारे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी। वोटर्स जो होते हैं, वोटर वोट फॉर द पार्टी, यहाँ पर वोटर्स जो होते हैं पार्टी के लिए वोट करते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट के लिए, है ना। तो एवरी पार्टी जो होती है उनको सीट जो मिलती है लेजिस्लेचर में, जितने उनको वोट होते हैं, ठीक है, जितने वोट उतनी सीट मिलेगी। कैंडिडेट जो भी जीतता है ना उसको मेजोरिटी वोट की जरूरत पड़ती है। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स अ मेजोरिटी ऑफ द वोट, जो भी इलेक्शन जीतता है ना उसको 50% से ज्यादा, मतलब 50+1 वोट्स चाहिए रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ वोट्स चाहिए पड़ते हैं। एग्जाम्पल इजराइल एंड नीदरलैंड्स। ओके, तो इतना सिस्टम समझ गए आप? तो पीआर सिस्टम राज्यसभा, यहाँ से ना सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके पहले के चैप्टर्स भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सेव्ड है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।